بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين نعم المولى ونعم النصير. درس السيوطي جزء اول اور صفحہ کون سا ہے؟ ساٹھ. صفحہ ہے ساٹھ. یہ عبارت اسماء اشارات کی کچھ رہ گئی تھی. وبنا او ہنا اشر الى دام المقام اے قریب ہی وبہ القاف المتقدم سلاو فی البعد فکل ہنا کا و ہا ہنا کا او بسما بفتح سا. تیس سے اول صفحہ ساٹھ ہے اور یہ عبارت بات ہو رہی تھی اسماء اشارات کی. آج اسماء اشارات میں سے جو ہے دو کا ذکر اضافہ کر رہے ہیں. ترجمہ شعر کا یہ ہے نا اور آ ہونا کے ذریعے سے تو کے ساتھ باپ کو واسطے یہ ہو گیا ہے سوا شیر کے پرسن اب سما فو آؤ ساتھ یا ہنہ کے ساتھ تشریح ان اشعار میں مصنف چند اسماء اشعارات کا ذکر کر رہا ہے.
हिस्सा मकान करीब की तरफ इशारा करने के लिए आते हैं। मकान करीब मकान करीब हुना है, हा हुना है, सम्मा है, हुन्ना है, हिन्ना है, ये सारे मकाने करीब के लिए की तरफ इशारा करने के लिए आते हैं। इनमें से पहले दो के साथ अगर काफ़े किताब को मुतसिल करेंगे जैसे नाका आहुनाका तो ये मकाने बईद की तरफ इशारा करेंगे। सबके साथ क्या लिखा हुआ है इनमें से पहले के पहले दो जो क्या लिखा हुआ है इनमें से पहले दो के साथ अगर काफ़ी किताब को मुतसिल करेंगे हुना और हा हुना की बात है हुन्ना और हिन्ना की बात नहीं और सम्मा की बात नहीं है आती नहीं काफी है तंबीह मुसन्निफ ने किताबे नुक्कत नुकत जो मुकदमा इब्ने आजिब पर लिखी है उसमें कहा है नालिका माने बही के लिए तमीम में कहता है मुसन्निफ ने किताब नुकत में जो मुकदमे इब्ने हाजिब पर लिखी गई है किताब नुकत मुकदमे इब्ने हाजिब पर एक किताब लिखी है उसका नाम है किताब नुकत इसमें कहा है कि कलमे हुनालिका ज़माने बईद के लिए आता है पहले क्या था मकान बईद के लिए आपका ज़माने बईद के लिए भी इस किताब में आता है जैसे हुनालिका तब कहते उस जमाने में
उस जमाने में वो जो यौम क़यामत का जमाना है, मुनालिक किसकी तरफ जा रहा है, जमाने बैत की तरफ, वो जमाना जो आइंदा आएगा, उस जमाने में हर शख्स जो है जो कुछ उसने अंजाम दिया उसको देखेगा या पाएगा। अब ये था अस्माए मौसूलात, अस्माए अशारात की बात यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद जो आज बात सुनने की वो अस्माए मौसूलात, इससे शुरू कर रहा है मौसूल अस्माए अल्लज़ी अल-उन्सा अल्लती वल्याहु इज़ा मा सुमिया ला तुस्बिती। अच्छा, इस शेर की तशरीह से पहले हम शेर की तशरीह नहीं कर रहे, हम शेर की तशरीह से पहले एक बात करो लिख लो लाया है इबारत मुआरिफ इसमें मौसूल वर्ण मौसूल वो दो किस्मों में तकसीम करते हैं, ना अस्माए मौसूलात को बल्कि मौसूल को जो है दो किस्मों में तकसीम करते हैं। ये इश्तिबा ना होकर अस्माए मौसूलात को दो किस्मों में तकसीम करते हैं, नहीं, मौसूल को दो किस्मों में तकसीम करते हैं। एक को कहते हैं मौसूल हरफी, दूसरे को कहते हैं मौसूल इस्मी। ये मौसूल इस्मी की बात अल्लाह ज़ाहिर कल शुरू होगी या इशारा करेंगे इसी तरह। आज हमारी बात मौसूल अरफी में, मौसूल अरफी वो कलमात के जो अपने सिला के साथ काबिले बस्तर में होते हैं, वो कुल पांच लाओ का
اہم مسئلے ہیں. ان پانچ موصول حرفی کو مصنف نے یہاں پر ذکر نہیں کیا, کیونکہ ذکر نہیں کیا یہاں پر, شارح نے ذکر کیا, مصنف صاحب ویلفیئر ذکر نہیں کیا. ان لو ما کہے وغیرہ یہ معارف کی قسم شمار نہیں ہوتے, معرفہ شمار نہیں ہوتے, اس لیے ہماری بات معرفہ میں تھی, اس لیے مصنف نے ان کو ذکر نہیں کیا. مگر کتاب عافیہ میں بعد سارے ان اسماء ہیں ان موصولات حرفی میں سے ہر ایک بیان کرتے ہوئے کہا ان تصلا فعل ماضی فعل مضارع اور فعل امر ہو سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سوئے ہوئے ہیں کیا کہا ہے؟ موصولات حرفی میں سے ہر ایک کی تفصیل بیان کر رہا ہے. سب سے پہلے ان کو لاتا ہے, کہتا ہے یاد رکھیں ان کا صلہ ہمیشہ فعل متصرف ہوگا,
فعل جامد معنی مصدریہ کا صلہ واقعہ نہیں ہوتا، پھر وہ فعل متصرف ماضی بھی ہو سکتا ہے، مضارع بھی ہو سکتا ہے، امر بھی ہو سکتا ہے. جیسے اب مثالیں آپ کو یہاں کتاب میں نہیں دیا، آپ لکھ لیں، کل روتے رہیں گے میں سنوں گا تمہیں، اوپر سے ڈنڈے بھی پڑیں گے سارے. ہاں آج جب بندی انکاما قابل مصدر میں توکار آج آباد کیا بنے گا؟ فائل بنے گا. ان کا صلہ کیا ہے؟ پہلے ماضی ہے اور متصرف ہے. دوسری مثال ہے پہلے مضارع کی، آج آبانی آئیں یزربا، آئیں یزرے با، ان کا صلہ کیا ہے؟ فعلِ مضارع. امر کی مثال ہے اشرتو الیہ ان اکرم، ان اکرم، ان اکرم جو ہے، اکرم جو ہے یہ ان کا صلہ ہے. اشرتو، اشرتو الیہ، میں نے اشارہ کیا اس کی طرف. نماز ہے اے کل کندھا، یہ ہے ان، اس کا صلہ کیا ہے؟ پہلے امر، پہلے امر کہہ رہے ہیں. ان کا صلہ ماضی ہوگا، ان کا صلہ مضارع ہوگا، ان کا صلہ امر ہوگا. کہتا ہے اشارتو پہلے امر تو نہیں ہے، ان کا صلہ اشار تو تھوڑا ہوا کیا ہو رہا ہے، صلہ ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے. وہ شواس نہیں ہے نا، بچوں نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں سر، لکھ لیا. اگر اگر کوئی اشکال کرے درج ذیل آیات میں ان کا صلہ فعل متصرف نہیں ہے بلکہ فعل جامد ہے، جیسے ان لیسا، آگے خود لکھ لینا، اور جیسے ان اصا، آگے لکھ لینا. ان دونوں آیات میں کیا ہے؟ اصا بھی فعل جامد ہے، لیسا بھی فعل جامد ہے، فعل متصرف نہیں نہیں ہے.
जबकि हमने कहा है कि अन्न का सिला हम देखें आयात में फैले जाने रहा है, अगर कोई इश्काल करे तो इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब देंगे इन आयात में अन मस्तरिया नहीं है बल्कि आने मुखफ़फ़ा अनिल मुखिला है, आने मुखफ़फ़ा अनिल मुखिला है। दूसरा मौसूल अरफी में अन्ना है, इसका सिला हमेशा जुमले सुनिया हुआ करता है। अगर इसको मुखफ़फ़ करेंगे तो फिर भी जुमले सुनिया ही इसका होगा, मगर इसका इस्म इस सूरत में अमीर मुफ़्तकर होगी, जैसे यानी मुखफ़फ़ा मुस्तक़िला है और इसकी ज़मीर इसका इस्म है और माँ बाद अलहमद इसके लिए पूरा जुमला मिल कर खबर है। ज़मीर है यहाँ पर एक ज़मीर है हु वो छुपा दी गई है अन हु को छुपा दिया गया इसके इस्म है अन मुखफ़फ़ा मुस्तक़िला अलहमदुल्ला माँ बाद खबर पूरा जुमला मिल कर खबर मिलकर इसमें खबर मौसूल अरफी में लव इसका सिला हमेशा या फिले मुजारे वाक़िया होगा।
सर नहीं लव के बाद नहीं और लव और लव अक्सर कल मैं वक्ता और इसकी मिस वक्ता जैसे लव जैसे लव नहीं जैसे वत्ता वत्ता वत्तु है वत्तु वत्तु लव अगर हम मोमिन एक आदमी यहाँ पर वत्ता पहले है उसके बाद लव है अक्सर वत्ता और अप्पा वगैरह के बाद आता है कितने होंगे चार तीसरे दूसरा अन था ना तीसरा कल में लव है और चौथा क्या है मस्त्री इसका सिला फिले माजी युगारे तो बहुत मरीज लिखने लग गई है इसमें कोई और मार्कर नहीं क्या कोई और मार्कर नहीं चलो ट्राई है पता है मुझे और दलील और दलील ये था मां के बारे में समझ आई अब पांचवा और आखिरी पांचवा और आखिरी क्या है इसमें मुस्लिम में से कल में है क्या है कई मुस्लिम है पांचवा कल में कई इसका सिला फकत फ
खेले गुजारे वाकया होता है बस, और कोई भी इसका सीधा वाकया नहीं है। मिसाल है वाक्य साल है वही मिसाल आप आजा पानी माँ जारा बा आजा पानी माँ यजरे हो समझ आई आज और ये दत्ता के बगैर है जुमलेश में भी वाक्य होता है जुमलेश में होता है आप कह सकते हैं आजा पानी किसकी मिसाल देनी है आजबनी माँ जैदुन कायम कभी मस्तर में करेंगे बन के आजबनी क्यामो जैद आजबनी क्यामो माँ चली जाएगी कभी मस्तर में पहुंच जाएगा। और उसके अलावा जो है वो कै जो है आप उसकी आप फिल्म मुजाहरे सिर्फ वाक्य होता है आप कोई मिसाल बना सकते हैं आप कह सकते हैं कि असलम तो कहे वाली मिसाल अब ये तो ये तमाम हो गए बस ये पांच मौसूल हरफी थे जिसको मुसन्निफ़ ने जिक्र नहीं किया शायर ने जिक्र भी कर दिया और इनके सिले का भी जिक्र किया गया किस किस का सिला क्या वाकया होता है। देखें जी रबे हुना औ हा हुना अशिर इलादान मकान कलमे हुना और हा हुना के जरिए से तू इशारा कर मकान करीब के लिए दानिश क्या मुराद है इन मकान करीब बब ही अलकाफिल मुतकद्दिमा ता सिला फिल बोदे और इसी ना और आमना के साथ आगा कलमे काफ के जो गुजर चुका है तो वसल कर मकाने बईद के लिए फकुल हुना का हा हुना ठीक हो गया समझ आ रही तो जमी नहीं आ रही अजिया करें औ बिसम्मा बिफतह साइल मुसल्लसते फो ए उन्तुक और कलमे सम्मा के जरिए से कहते सम्मा फतह सा जो तीन नुक्तादार है सा तारी कहना है बेतम्मा नहीं कहना बे सम्मा कहना है इस सम्मा के जरिए से खो कौन सा सीखा है वे शहजादे आम्र है नहीं है इसमें फेले आम्र है जो इसमें फेले आम्र बमनिए एंतिक तेरी तू नुत कर वायुकाल फिल वक्त से आप जब इस सम्मा पे वक्त करेंगे सम्मा आगे ता के जो वक्त की सूरत में हा हो जाती है वो लगाएंगे कहेंगे सम्मा औ हन्ना चौथा कलमा क्या है हन्ना है बेफतह्या तशदीदनु जैसे हाँ औ बे हुनालिका इंतकन या हुनालिक के जरिए से तू नुत कर वला तकुल हा हुनालिका हुनालिक के शुरू में जो है कहते हैं आप हाय तंबी को नहीं लगा सकते नहीं कह सकते हा हुनालिका हुनालिका इसमें इशारा है लेकिन हा हुनालिका नहीं कह सकते औ हिन्ना और एक कलमा अस्मा इशारात में से हिन्ना है बिकस्से हा तकदीर तंबी हूँ जाकर अल मुसन्निफ फी नुकत ही मुसन्निफ ने जिक्र किया है कहाँ पर अपनी किताबे नुकत में किस पर लिखी है ये नुकत में इब्ने आजे पर क्या जिक्र किया है अन्ना हुनालिका ये कलमे हुनालिका याती लिज़मान याता है इसके लिए जमान के लिए जैसे जमाने बैठ गए जैसे हुनालिका तब नुकुल नफ्स मा असलमत समझ आई आगा जी हर नफ्स उस शय को जो उसने गुज़श्ता पहले भेजी है
उसको उस दिन जो है पालेगा। अर्रबी मिन अल मुआरिफ अल मौसूल, चौथा मुआरिफ में से मौसूल है, अस्माए मौसूलात है, लेकिन मौसूल की इस्मान दो इस्मी, एक है मौसूल हर्फी, एक है मौसूल इस्मी। वो इस्मी को भी जिक्र बाद में करेगा, पहले आता है, कहते हैं फल हर्फी यो। मौसूल हर्फी क्या होता है, इसकी तारीफ करें, कहते हैं माँ मौसूल हर्फी उस शय को कहेंगे, जिसको ताबील किया जाए अपने सिला के साथ मस्तर में, जिसको तब्दील कर दिया जाए, समझ आई। वो कौन से हैं, हुआ अन एक, अन्ना दो, लौ तीन, मा चार, कै पांच, वलम यज़कुरहुल मुसन्निफ़ हुना, और यहाँ पर यानी मुआरिफ में इसको जिक्र नहीं किया, क्यों, लिअन्नहु ला यउद्दु, क्योंकि ये मौसूल हर्फी शुमार नहीं किया जाता, मिनल मुआरिफ मुआरिफ में शुमार नहीं होता, आज हमारी बात मुआरिफ में चल रही थी इसलिए जिक्र नहीं किया। वज़ा करहु फिल काफियते, फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब इसमें मौसूल की बात की है तो मौसूल हर्फी को क्यों जिक्र किया है किताब काफिया में, कहता है इस्तितरादन, इस्तितराद होता है बाप के हुक्म को एक जैसा करने के, क्योंकि मौसूल की बात थी तो मौसूल हर्फी को भी वहां जिक्र कर दिया। पता नहीं आपके पल्ले कुछ पढ़ रहा है कि नहीं, नहीं पढ़ रहा ना मेरे ख्याल, अब हर एक की तफसील देता है, कहते हैं फा अन तू सलो, अन इसका सिला लाया जाता है, तू सलो बिल फिल मुतसर्रिफ, फिल मुतसर्रिफ के साथ, यानी जामिल नहीं होता इसका सिला, फिल मुतसर्रिफ कौन सा, माजियन और मुदारियन और अमरन, माजी भी होता है मुदारे भी होता है अमर भी, समझ आ रही है। अम्मा अन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, फिर अगर कोई इश्काल करे के अन लैसा में और अन असाओ में, तो अन के बाद दोनों फेले जामिद हैं, क्या जवाब देंगे, हम जवाब देंगे फाहिया, ये अन जो आ रहा है फेले जामिद पर मुखफ्फतुन अनिल मुस्तक़िला, ये मुखफ्फा अनिल मुस्तक़िला है, आने मस्दरिया नहीं है, ये बात तमाम हो गया इनकी। फिर कहते हैं अन्ना तू सलो बे इस्मिहा, अन्ना इसका सिला लाया जाता है इसके इस्म और खबर के साथ, यानी जुमले इस्मिया इसका सिला होता है, पूरा जुमले वह इन फकदालिक, अगर अन्ना को मुखफ्फ कर दें फिर भी इसका सिला इस्मिया होगा, जुमला इस्मिया होगा, लेकिन इस्मुहा, लेकिन इस मुखफ्फ होने की सूरत में इसका इस्म युज़फ़ हस्ब होगा, मुकद्दर होगा, ज़मीर शान, ठीक है, कमा सयाती जिस तरह के अनकरीब आएगा हरूफ और मुशब्बा बिलफ़िल की जब बात करेंगे वहाँ बताएंगे। वलौ तीसरा क्या है, लौ है तू सलो बिल माज़ी वल मुज़ारे, इसका सिला लाया जाता है माजी और सिला लाया जाता है, वह अक्सर वकू यहाँ बाता वत्ता बनाते ही, अक्सर है इस कल में लव का वाक्य होना वत्ता और वत्ता की मिसल के बाद, अक्सर है यानी जरूरी नहीं है, ये बात तमाम लव की, वमा और कल में माय मस्त्रिया तू सलो बिल माजी बल मुजारे, इसका सिला लाया जाता है माजी और मुजारे अक्सर, व बिजुमलतिन इस्मियतिन बिकिल्लतिन, और जुमला इस्मिया भी है लेकिन वक़े और कलमे कहे, तू सलो बिल मुजारे फकत, कलमे कहे मस्दरिया इसका सिला फकत फेले मुजारे होता है। रसल्लल्लाहु अलैहि